आजकल ज्यादातर लोग खाते हैं एग वाइट, बट क्या एग योक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं? सो गाइज, वेलकम टू फिट तक। आज हमसे इस बारे में बात करने के लिए है दिशा। शी इज द फाउंडर ऑफ यूट्री फिटनेस। थैंक यू। क्या एग योक में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? जी हाँ, एग योक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। एग योक वैसे बहुत अच्छा है डाइट के लिए, अगर आप देखें उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, के, प्रोटीन, आयरन। बट अगर आप मुझसे पूछें कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो द आंसर इज़ येस। वो हार्ट पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अनहेल्दी है, तो उनकी डाइट में कम से कम रखने चाहिए। बाकी जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं या फिर जो टीनेजर्स होते हैं या फिर आपके और मेरे जैसे एडल्ट्स भी, उनके लिए एग योक्स बहुत हेल्दी हैं। बट अदरवाइज येस, इट इज़ अनहेल्दी एंड इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेशेंट्स। एग योक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं? एग योक इज हेल्दी। एग योक इज अ डेंस सोर्स ऑफ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि उसमें पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, ये सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी डेली डाइट में ज़रूरी है, जो कि आपके RDA को काफ़ी तरीके से पूरा करता है। एक छोटा सा एग योक आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, तो येस, एग योक इज हेल्दी। हम एक दिन में कितने एग्स कंज्यूम कर सकते हैं? एक दिन में इट्स गुड टू हैव नॉट मोर देन 2 or 3 eggs। 2 या 3 eggs से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वैसे उसके न्यूट्रिएंट वाइज देखिए तो वो बहुत हेल्दी है, बट अगर आप उसके योक का कोलेस्ट्रॉल देखें तो इट इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल। तो 3 से ज़्यादा एग योक्स आपको अपनी डाइट में एक दिन में नहीं रखने चाहिए। सुदिशा, एग योक में कितने ज़्यादा कैलोरीज होते हैं? इन 1 egg इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 calories, और एग वाइट में अगर आप देखें तो 40 calories होती है। So, egg yolks are very less in calories and a very good snacking option. Egg yolks generally जो bodybuilding करना चाहते हैं या जो weight gain करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत beneficial है। Egg yolks में बहुत सारे nutrients होते हैं और वो उनको हर way में help करते हैं। Generally जो आजकल के young boys और teenagers होते हैं, वो artificial protein पे rely करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है और आपकी body को बहुत harmful effects देते हैं। इससे better होता है कि आप naturally egg yolks को ही अपनी diet में increase करके good quality protein को लें अपनी diet में। एग योक को प्रोटीन इंडेक्स की तरह माना जाता है, मतलब कि हम हर चीज़ का प्रोटीन एग योक से ही कंपेयर करते हैं, तो मतलब कि इट हैज़ गॉट वेरी गुड बायो अवेलेबिलिटी इन योर बॉडी। तो आप उसको अपनी डाइट में अच्छे से भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं या जो बॉडी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज, लॉग ऑन टू fittak.in, सब्सक्राइब टू fittak ऑन YouTube एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook एंड Instagram।